झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी जब चैनपुर प्रखंड के दौरे पर पहुंचे तो काकरी पंचायत में उन्हें कई चौंकाने वाले मामले सामने दिखाई पड़े। उन्होंने राज्य सरकार की हालत पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि राज्य में आम जनता लोगों के लिए कोई ठोस कार्य अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, जिससे जनता परेशान है। एक तरफ जहां पलामू के लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, वहीं सूबे के मुखिया चुनावी दौरे में लगे हैं। शहर के गौरीशंकर हॉल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री त्रिपाठी ने कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छठ घाट से छठ व्रत के लिए उठाए जा रहे बालू पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार ने बालू पर इस तरह का कानून बना दिया है कि राज्य के लोग बेहाल हैं। एक संवेदनशील मामले पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कंकारी पंचायत भवन के गेट पर पिछले एक सप्ताह से जन समुदाय के कालो देवी नामक महिला पंचायत भवन गेट पर मृत पड़ी थी। लोगों ने बताया कि महिला के घर में ना तो अन्न था, ना ही वस्त्र और ना ही दवा। इन सब की आस में वो पंचायत भवन गेट पर पिछले कुछ दिनों से पड़ी थी, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। त्रिपाठी ने उनके दाह संस्कार के लिए 2,000 रुपये की मदद की और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले एक सप्ताह से पंचायत भवन में ना तो प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे हैं और ना ही कोई सरकार का विधायक ना सांसद नजर आया है। धार्मिक व्यक्ति को धर्म के प्रति निस्वार्थ भाव से आस्था है। जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य के चुभैये नेता लोग धर्म का नाम लेते हैं सनातन धर्म का वोट ठगने के लिए, बहुत पीड़ा होती है। आज छठ पर्व के लिए यदि कोई व्यक्ति बालू उठा करके ले जा रहा है कि जहाँ छठ होगा उस स्थल पर हम बालू पसार करते और उस स्थल को पवित्र कर दें ताकि लोग वहाँ बैठें, उसमें ट्रिप पकड़ करके और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खर्चा करके बालू ले जा रहा है और उसको लेकर के आप उगाही करें, ये कहाँ तक उचित है। महत्वपूर्ण दूसरी बात है कि कालो देवी कंकारी के उसी पंचायत भवन में 10 दिन से गेट पर लेटे लेटे अनाज वस्त्र और दवा के अभाव में मर गई। गेट के जस्ट गेट पर, मतलब कि सप्ताह 10 दिन से ब्लॉक के पदाधिकारियों ने गेट भी नहीं खोला पंचायत, किसी ने उसको दवा नहीं कराया, किसी ने उसको वस्त्र नहीं दिया, अन्न नहीं दिया और वो मर गई। उसका दाह संस्कार भी कोई देखने नहीं आया, सवेरे से बॉडी पड़ा हुआ।